अब देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन जो है कुछ है जो कि मैप स्किल पे है। मैप स्किल्स क्या है? अगर हम मैप वर्क सीखे रहे, दिमाग में रखे रहे, तो मैप अगर हम जान रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आप मैप के थ्रू देते हैं। हमें मैप के थ्रू ही पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैप के थ्रू आपको आंसर दें, वही आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। मैप रीडिंग से आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कह रहा है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक आपको माइंड में क्लियर नहीं होगा अरेबियन सी है कहाँ, बे ऑफ बंगाल कहाँ है। याद करने वाली चीज नहीं है ये, तो डायग्राम के समझने वाली चीज। दिमाग में इंडिया का मैप है, अरेबियन सी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अपने आप आंसर दे लेंगे। द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? द स्टेट्स, थर्ड है द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अभी हमने आपको डिस्कस किया था, 8 स्टेट्स से पास करता है। फिर द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, ये भी डिस्कस किया था। नॉर्दर्न मोस्ट जो है आपके ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट। द नॉर्दर्न मोस्ट पूछा है, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पूछा है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पूछा है। द प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, कौन सी ऐसी प्लेस है जो 3 समुद्र पे बसी हुई है? तो ये आपके मैप ही बताएगा। द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडिया और द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। इंडिया जहां पे है, अरेबियन सी कहां है, ये पोर्शन है पूरा अरेबियन सी का। बे ऑफ बंगाल कहां है, यहां है। तो पूछ रहा है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड ग्रुप है इंडिया के। तो इंडिया के आइलैंड ग्रुप कौन है? अरेबियन सी में कौन है, लक्षद्वीप है। बे ऑफ बंगाल में कौन है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। यही चीज पूछ रहा है। तो आंसर क्या देंगे? लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार इन जो है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। सेकेंड है द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मतलब क्यों कहा गया? पहले जब अगर हम लोग बहुत एंशियंट टाइम में जाएं, तो एक्चुअल में इंडिया जो था, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान आज बना है, अफगानिस्तान है, ये सब क्या था? एक ही लैंड मास था, ये पूरा एक लैंड मास था। लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों में बंटता चला गया, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो है आपकी कंट्रीज बनते चले गए। पहले ये सब कंट्रीज कंट्रीज नहीं होते थे, सब एक एक लैंड मास होता था। तो ऐसी में इंडिया और उसके साथ जितने लोग रहते थे, वो इतनी बड़ी जमीन थी कि वो एक कॉन्टिनेंट की तरह थी, एक छोटा कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जैसे नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, जहां पे क्या है, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, ये सब कंट्रीज आ जाती हैं। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, यूरुग्वे है, बोलीविया है, पेरू है, चिली है ना, फ्रेंच गुयाना है, गुयाना है, ये सब जितनी कंट्रीज है सब साउथ अमेरिका में आ गई। फिर अफ्रीका अब एक और कॉन्टिनेंट है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक बड़ा लैंड जिसमें ढेर सारी कंट्रीज होती हैं। तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में जैसे साउथ अफ्रीका है, मोजम्बिक है, आपका सूडान है, नाइजर है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, सोमालिया है, इथोपिया है, चाड है। तो ये सब ढेर सारी कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका बनाती हैं। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप में क्या है, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है ना, स्विट्जरलैंड है, सॉरी जो है आपके एक तरह से जितनी भी ऑस्ट्रिया है ना, ये सब जितनी रोमानिया है, बुल्गेरिया है, ये सब क्या है, ये सब कंट्रीज हैं जो कि यूरोप में आती हैं। एशियन कंट्रीज की बात अगर हम करें, एशिया भी कॉन्टिनेंट है। तो एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में क्या है, जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, रशिया है, तो ये सब जो है कंट्रीज आपके इसमें आती हैं। तो यही ये कह रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट
इंडिया के साथ जो जितने भी कंट्रीज थे वो मिल करके एक बहुत बड़े लैंडमार्क को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा लगता था कि ये खुद एक कॉन्टिनेंट है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब एक छोटा कॉन्टिनेंट बनाते हैं मिल करके। तो कौन कौन सी कंट्रीज मिल करके छोटा कॉन्टिनेंट बनाती थी पहले, अगर ये कहें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है, जैसे आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका जो है आपके ये कंट्री होता है। अब अफगानिस्तान क्योंकि इससे दूर है, तो पहले तो जब तक इंडिया यहां तक था तब तक अफगानिस्तान जो है टच करता था, लेकिन अफगानिस्तान का कोई टच नहीं है इंडिया से, तो आपके पाकिस्तान हो गया। फिर इसी तरह से आपका चाइना है जो आपके रहेगा, लेकिन चाइना जो है एक तरह से आप ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं, क्योंकि वो अलग कंट्री था, कभी इंडिया के साथ नहीं था, इंडिया से कभी जो है आपके मिला नहीं था, तो चाइना भी था जैसे अफगानिस्तान है, ये इंडिया में कभी नहीं था, ये भी कभी नहीं था, तजाकिस्तान भी कभी नहीं था, तो इसलिए चाइना है तो नेबर कंट्री लेकिन जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान नहीं आएगा, तजाकिस्तान जो है आपके नहीं आएगा, चाइना पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, इसमें बांग्लादेश आएगा, ये सब इसके पार्ट थे, इवन श्रीलंका आएगा और मालदीव आएगा, ये सब क्या है इंडिया के ही पार्ट थे। श्रीलंका क्या है, इंडिया ही था, जितने भी जो आपके द्रविडियंस, जो आपके अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, द्रविडियंस जितने थे वही तो जो है साउथ इंडिया गए थे, तो और वही जो है आपके श्रीलंका उन्होंने ही जाकर के बसाया, तो इसलिए ये कंट्रीज आपके आ जाएंगी। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अब इसमें से म्यांमार भी नहीं आएगा, क्योंकि म्यांमार इंडिया के हिस्से में कभी नहीं था, ये क्या था, ये चाइना के साथ है, ये चाइना के हिस्से में था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया तो है ही है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, अभी हमने आपको बताया था और इसको एक्सप्लेन भी किया था, यहां से एक कर्क रेखा जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है यहां से, तो ये कहां से, ये कहां कहां जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं। अगर आपको दिमाग में क्लियर होगा स्टेट तो अपने आप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हैं 8 स्टेट्स। तो ये 8 स्टेट से होकर के जाती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन 8 जो है आपके स्टेट से होकर के ये गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या था, यहां पर हम लोग ने क्या पढ़ा था, 37 degrees 6 minutes नॉर्थ, ये क्या है आपका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, तो 37 degrees 6 minutes नॉर्थ। फिर कह रहा है द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेन लैंड इन डिग्रीज, ये कितना था, ये यहां पे हमने आपको बताया था, ये था 8 degrees 4 minutes नॉर्थ, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो था 8 degrees 4 minutes नॉर्थ। फिर इसी तरह से अगर कहा जाए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज, तो ईस्टर्न मोस्ट क्या था, तो था 97 degrees 25 minutes ईस्ट, और वेस्टर्न क्या था, तो 68 degrees 7 minutes ईस्ट, ये ईस्टर्न था। तो वेस्टर्न क्या था, 68 degrees 7 minutes ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था इसलिए ईस्ट था, 97 degrees 25 minutes ईस्ट आपके ये था।
सदर्न मोस्ट था जो था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है आपके ये बाउंड्री बनाता था। तो इस तरह से तो हमने बताया था ये कैसे बनाता था, क्योंकि अगर इंडिया को हम कंसिडर करें तो इंडिया जो था वो कहाँ है, ये इक्वेटर के ऊपर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया ऐसे है। इसलिए इंडिया जो आपके सबसे नीचे जो लैटिट्यूड जा रहा है वो इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन से होकर के जो लैटिट्यूड जा रहा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है ये ईस्टर्न जो है हेमिस्फीयर में है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन से जो जा रहा है तो ये क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये बाउंड्री बनाता है। तो वही चीज बताया जा रहा है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपके ये नॉर्थ है जो कि आपकी बाउंड्री बन रही है 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है सदर्न बाउंड्री है, फिर ईस्टर्न जो है मोस्ट बाउंड्री 97 डिग्री 25 मिनट है, और फिर वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है आपके इसकी बाउंड्री होती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, सदर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेवेंथ पार्ट है, द प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, कौन सी ऐसी जगह है जो 3 समुद्रों पर बसी हुई है, 3 समुद्र वहां पाए जाते हैं, या 3 समुद्र मिलते हैं, या 3 समुद्र के नाम वहीं पे लिए जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। तो ऐसी ये कौन सी जगह है या कौन सी जगह हो सकती है, इसको अगर आप देखें तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो देखिए इंडिया के जो ये पोर्शन है, इंडिया का जो ये पोर्शन है यहां केप कॉमरन इसको कहा जाता है, जिसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, अरेबियन सी यहां मिल रहा है, इधर से ये जो पूरा हिस्सा है वो बे ऑफ बंगाल का, बे ऑफ बंगाल यहां मिल रहा है, और नीचे पूरा इंडियन ओशन भी यही है। तो हमने आपको बताया था ये सब इंडियन ओशन ही है, लेकिन सी के हिसाब से ये इंडियन ओशन के इस पार्ट को हम बे ऑफ बंगाल कह देते हैं, इस पार्ट को अरेबियन सी कह देते हैं, और नीचे बाकी इंडियन ओशन कहते हैं। तो कौन सा ऐसी प्लेस है जो 3 सीज पर जो है लाई कर रही है, वो क्या हो जाएगा, केप कॉमरन या कन्याकुमारी। तो केप कॉमरन या कन्याकुमारी जो है ये ऐसी प्लेस है जो इधर से अरेबियन सी, इधर से बे ऑफ बंगाल, और इधर से जो है आपके एक तरह से बे ऑफ बंगाल का ये पोर्शन जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है, तो ये है। और दूसरी चीज जो है आपके नीचे की तरफ जो है आपके इंडियन ओशन। तो कन्याकुमारी पे अगर आप हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हम अरेबियन सी पे हैं, अरेबियन सी आप देख रहे हैं। कन्याकुमारी पे अगर आप हैं तो आप कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल हम देख रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, या गल्फ ऑफ मन्नार भी देख रहे हैं, ये मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार इसी बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। और अगर आप कन्याकुमारी पे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इंडियन ओशन में हैं तो भी सही कह रहे हैं। तो कन्याकुमारी पे खड़े होकर के आप तीनों चीज कह सकते हैं कि हम अरेबियन सी को देख रहे हैं, हम इंडियन ओशन को देख रहे हैं, हम बे ऑफ बंगाल को देख रहे हैं, या गल्फ ऑफ मन्नार को, ये गल्फ ऑफ मन्नार का पोर्शन है। तो ये जो है आपके, इसीलिए कौन सा ऐसा जगह है, प्लेस है जो 3 सीज पर सिचुएटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, केप कॉमरन, या इसी को क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले तो हम इस
की डेफिनेशन देख लें स्ट्रेट की. स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट कहा जाता है अगर कोई एक लैंड है, दूसरा भी लैंड है. ये एक लैंड है, आइलैंड हो सकता है या कोई कंट्री हो सकता है. अगर वाटर बॉडी कोई, ये वाटर बॉडी पतली वाटर बॉडी, वाटर बॉडी दो लैंड सरफेस को अलग करे और यही वाटर बॉडी पतली वाटर बॉडी एक बड़े वाटर बॉडी ये और दूसरे बड़े वाटर बॉडी ये इसको जोड़े तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्ट्रेट. स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल संधि. जल संधि, जल संधि के मतलब क्या होता है? जल की संधि कराने वाली, संधि मतलब जोड़ने वाली. तो एक बड़ा जल का भाग ये, एक बड़ा जल का भाग ये, इन दोनों की संधि करा रही है, जोड़ रही है. तो पतला जल का भाग, पतला वाटर का ऐसा पार्ट जो दो जो है आपके बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड सरफेस को अलग करता है, इसे कहा जाता है स्ट्रेट. तो अब ये कह रहा है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सेपरेट करता है स्ट्रेट वो कौन सा है. तो ये श्रीलंका देख रहे हैं आप, ये है इंडिया, यहां पर जो है आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये छोटे छोटे आइलैंड्स किस तरह के हैं ये देख लें. जो इंडिया का पार्ट है ये, ये इस तरह श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है, इसके बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. ये आइलैंड्स जो हैं इन्हें कहा जाता है पम्बन आइलैंड्स. ये क्या है? पम्बन आइलैंड्स. ये सब पम्बन आइलैंड्स हैं. तो पम्बन आइलैंड्स जो हैं इनके बीच में पतला पतले जल का भाग जाता है. ये वाटर इन आइलैंड्स के बीच से क्या जा रहा है? वाटर. और ये वाटर क्या कर रहा है? एक इस बड़े वाटर बॉडी को और एक इस बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है. तो यहां से ये बड़ा वाटर बॉडी एक इधर है और एक बड़ा वाटर बॉडी इधर है, इसको कनेक्ट कर रहा है पतला पतला जल का भाग. तो ये पतला पतला जो जल का भाग है इसी को स्ट्रेट कहा जा रहा है. जो किसको कनेक्ट कर रहा है? इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल, इधर की तरफ क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार. तो ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल. तो जो ये स्ट्रेट है इसका नाम है पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट, इसमें एल साइलेंट होता है, पाक पढ़ा जाता है, पाक. तो एल साइलेंट है, पालख नहीं पढ़ा जाएगा, पाक. पाक स्ट्रेट. पाक क्यों कहा जाता है? यहां पर इंडिया के एक सर्वेयर जनरल थे ब्रिटिश टाइम में, जिन्होंने इन सभी द्वीपों को सफाई कराई थी और रास्ता साफ कराया था, जिससे कि ये दोनों जो है आपके आइलैंड्स, क्योंकि होता क्या है कि इस जहां पे आइलैंड्स होते हैं वहां पे बालू और रेत बहुत हो जाती है. बालू और रेत जब जम जाती है तो उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं बह पाता और वो छिछला हो जाता है पूरा पानी, ऊपर तक बालू आ जाती है. तो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं बालू में फंस जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते. तो पाक जो है आपके, पाक किनका नाम था? तो पाक जो है यहां पर एक सर्वेयर जनरल थे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में काम किया था और उन्हीं के नाम पर पाक स्टेट रख दिया गया, उनके जो है आपके ब्रिटिशर के नाम पर पाक स्टेट रख दिया गया, जो किसको जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार को. ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये बे ऑफ बंगाल है. तो गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है स्टेट और किसको अलग कर रहा है? तमिलनाडु को श्रीलंका से. ये तमिलनाडु का भाग है, ये श्रीलंका का है, ये यहां इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है. तो इन जो आइलैंड्स, आइलैंड्स के बीच में जो जाने वाला पतला पतला जल का भाग है इसी को स्ट्रेट बोला जा रहा है. तो ये क्या है? पाक स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा है? ये दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है और दो जो है लैंड सरफेस को अलग कर रहा है. तो जो कनेक्ट कर रहा है वो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को, और अलग जो कर रहा है श्रीलंका को तमिलनाडु से. तो श्रीलंका तमिलनाडु आप यहां से देख सकते हैं अलग हो रहा है ये पतले पतले जल के भाग से, और ये पतले पतले जल के भाग इस बड़े और इस बड़े पार्ट को जोड़ रहा है.
तो इसलिए क्या हो जाएगा कि द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया इज नोन एज पाक स्टेट। तो पाक स्टेट जो है ये आपके सेपरेट करता है इंडिया को तमिलनाडु से, या इंडिया को श्रीलंका से, या आप कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हमने आपको क्या बताया था कि इंडिया जो है, इंडिया में कितने स्टेट्स थे, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। आपकी बुक में अभी यही लिखा है, उसको काट के सही कर लीजिएगा। 29 स्टेट्स में से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, एक कम हो गया, कितना हो गया, 28, 28 हो गया जम्मू कश्मीर जब हटा, तो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमने आपको बताया था यूनियन टेरिटरी और स्टेट में फर्क क्या होता है। यूनियन टेरिटरी जब बनाया गया तो जम्मू कश्मीर को नहीं बनाया गया, जम्मू कश्मीर को दो पार्ट कर दिया गया, ये जो हिस्सा होता है ये जम्मू कश्मीर है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बना दिया गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट दिया गया। तो पहली चीज, 29 स्टेट्स थे इंडिया के जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटा दिया एक, तो 28 स्टेट्स हो गए। अब क्या है, 7 यूनियन टेरिटरीज थे, 7 यूनियन टेरिटरीज कितने थे, अब जैसे आपको 29 स्टेट अगर हम गिनाएं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 29 थे। इसमें से एक जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, उसको राज्य का दर्जा जो दिया गया था उसको हटा दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया, तो 29 थे, एक कम हो गया, 28 हो गया, तो ये तो स्टेट हो गए। अब देखिए यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 7 थे। 7 कौन से थे, दिल्ली, चंडीगढ़ ये था अंदर, बाकी दमन एंड दीव एक था, दमन, ये दमन यहां है, दीव यहां है, दमन एंड दीव लिखा जाता है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये है दादरा और नागर हवेली। तो पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन एंड दीव, चौथा दादरा नागर हवेली, पांचवा लक्षद्वीप, छठा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सातवां जो था वो था पुदुचेरी। पुदुचेरी भी हमने आपको बताया था चार जगह पे है, तीन स्टेट में चार जगह। तो केरल में माहे है, माहे के नाम से, तमिलनाडु में पुदुचेरी और जो है करायकाल के नाम से, करायकाल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनाम के नाम से। तो माहे, करायकाल, पुदुचेरी और यनाम, और इन चारों स्थानों का कंट्रोल क्योंकि पुदुचेरी से होता है इसलिए इन चारों को कंप्लीट रूप से क्या कर दिया जाता है, पुदुचेरी यूनिटरी यूनियन टेरिटरी। तो पुदुचेरी तीन स्टेट में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, और चार जगह पे है। जगह जो है केरल में माहे के नाम से जानी जाती है, तमिलनाडु में दो जगह है, पुदुचेरी और करायकाल, और एक जगह आंध्र प्रदेश है जो कि आपके यनम नाम से जाना जाता है। साथ ये थी। अब क्या किया गया, जब जम्मू कश्मीर को से राज्य का दर्जा ले लिया गया, स्टेट का जो है स्टेटस ले लिया गया, जब स्टेटस ले लिया गया तो इसको दो भाग में बांट दिया गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये ऊपर का पोर्शन पूरा लद्दाख हो गया। और ये दोनों को क्या बना दिया गया, ये दोनों को बना दिया गया क्या, यूनियन टेरिटरी। तो 7 यूनियन टेरिटरी थे, इसमें दो और आ गए यूनियन टेरिटरी, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। 7 थे, 2 आ गए, 9 हो गए। लेकिन एक और चेंज किया गया, एक चेंज ये किया गया कि दमन एंड दीव एक था यूनियन टेरिटरी, दादरा नागर हवेली दूसरा था, दो अलग अलग थे। इन दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली को सबको मिला दिया और सबको एक कर दिया, मतलब यहां दो थे, दमन एंड दीव एक और दादरा नागर हवेली दूसरा, तो दोनों को मिला के एक कर दिया गया।
तो दो अब एक हो गया, इसके मतलब एक कम हो गया, इसलिए यहां पे एक कम हो गया। तो नौ में से एक कम हो गया, अब कितना हो गया? आठ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 28 राज्य और आठ जो है केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। ये मत दिमाग में रखिएगा कि 29 स्टेट थे और सात ये थे, एक यहां से कम हुआ एक यहां बढ़ गया, तो ये जो है आपके जो यहां कम हुआ है वही यहां बढ़ा है, यहां कम होकर ये 28 हो गए, यहां बढ़ के ये 8 हो गए। तो ये कैलकुलेशन नहीं है, एक कम होकर के एक बढ़ा नहीं है, कम एक हुआ है स्टेट में वो अलग है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के चक्कर क्या है, एक जो कम हुआ वो दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होकर के जुड़ा, और दो जो यूनियन टेरिटरी थे उसको मिला करके एक कर दिया गया, तो दमन दीव दादरा नागर हवेली सब एक हो गया, तो इसलिए आपके 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो इंडिया के 8 यूनियन टेरिटरीज अब कौन से हैं? पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख, पांचवा दमन दीव दादरा नागर हवेली, ये एक है, छठा पुदुचेरी, सातवां लक्षद्वीप, आठवां अंडमान निकोबार आइलैंड, आठ हो गए। तो इस तरह से 8 यूनियन टेरिटरीज अब इंडिया के पाए जाते हैं, और इस तरह से अगर हम देखें तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसको करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि बुक्स पुरानी छपी हुई है, पता नहीं कब उसका नया एडिशन आएगा कब नहीं आएगा, सारी किताबों में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज दिया हुआ है, बुक में काट करके आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।